कोरोना वायरस और एचआरसीटी, इसके बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस मतलब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है ये जानने के लिए लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस आरटीपीसीआर, या रैट करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैट जो है वो 50% फाल्स नेगेटिव आती है और आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो 10-30% फाल्स नेगेटिव आती रहती है। मतलब कोरोना होने के बावजूद भी 10-30% लोगों को वो निगेटिव रिपोर्ट देंगे। फिर इस समय प्रॉब्लम आता है डॉक्टर लोगों को कि अभी क्या करें। लक्षण तो दिख रहे हैं, फीवर है, खांसी है, मगर टेस्ट निगेटिव है। इस समय एचआरसीटी कर सकते हैं, सीटी स्कैन चेस्ट का। तो एचआरसीटी क्या होता है? हाई रेजोल्यूशन कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी, एचआरसीटी हाई रेजोल्यूशन कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी। तो सीटी स्कैन चेस्ट का किया जाता है और उसमें पाया जाता है कि कितना लंग्स इन्फेक्टेड है। यदि वो उसको नंबर दिए जाते हैं, वो ओपेसिटी कितनी है वो हिसाब से, और वो यदि 1 से 2 है या 3 है तो बहुत ही माइनर इन्फेक्शन है और वो कोरोना नहीं है, या हो भी सकता है मगर बहुत ही माइनर इन्फेक्शन है और वो हिसाब से ट्रीटिंग किया जाता है। यदि वो 5 के ऊपर है, 5 या 5 के ऊपर, तो फिर लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा चांसेस कि उसको कोरोना है और फिर वो कोरोना है करके ही ट्रीट किया जाता है। तो ये आप टेस्ट कर सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत अभी टाइम भी लग रहा है, मगर डेफिनेटली एचआरसीटी का टाइम जो है वो कम है आरटीपीसीआर से। एचआरसीटी आपको आधे घंटे में 1 घंटे में रिपोर्ट देगा, डिपेंडिंग अपॉन टाइम कितना वेटिंग है कितना है। आरटीपीसीआर हमको 2 दिन से 7 दिन भी लग सकते हैं, फिर सैंपल ठीक है ठीक नहीं है, इनएडिक्वेट सैंपल है, फिर वापस रिपोर्ट करो, मतलब उसमें काफ़ी सारा टाइम लोगों का गया हुआ है आरटीपीसीआर टेस्ट में। तो एचआरसीटी कर सकते हैं और वो हिसाब से भी लंग इन्फेक्शन कितना है वो देख सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। तो यदि आरटीपीसीआर निगेटिव है और लक्षण है तो डेफिनेटली एचआरसीटी करना ही चाहिए। जो आपका अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, हमारा ऐप डाउनलोड करो, डॉक्टर कहकर ऐप डाउनलोड करो। थैंक यू वेरी मच।